अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का ऐलान जनवरी में हो सकता है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में साधु संत शामिल हो सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन तेज है। लाल किले से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने और युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी नेतृत्व से कहा कि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व की ओर से अत्यधिक बयानबाजी और शत्रुतापूर्ण वक्तव्य दिए जा रहे हैं और भारत विरोधी हिंसा को बढ़ावा देना शांति के लिए हितकर नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में हो रही प्रदर्शनों के चलते मोबाइल कंपनियों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों के मद्देनजर वीरवार को दिल्ली के 14 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए हैं। इससे पहले डीएमआरसी ने 7 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहने की जानकारी दी थी। अमृतसर जा रही शहीद एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में जालंधर जिले के करतारपुर के निकट अचानक आग लग गई। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत में शांति देखना नहीं चाहते और वे देश में प्रवेश के लिए नेपाल और भूटान से लगने वाली हमारी सीमा के इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला मैदान में रविवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने बीजेपी में टिकट के दावेदारों का उत्साह भी बढ़ा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभियान शुरू करने के लिए रविवार को एक रैली कर रहे हैं। इस रैली में बीजेपी नेता भीड़ जुटाकर विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी भी पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में संशोधित नागरिकता कानून के नाम पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुरानी लखनऊ इलाके में जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी और थाने में भी तोड़फोड़ की। सुबह में फैली हिंसा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे 4 दोषियों में से एक की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। ये है डीआईडी में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।